दीपों का त्यौहार दिवाली नजदीक है और इस समय बाजार सज चुके हैं। काकोरी सालेमपुर स्थित पटाखों के थोक बाजार से फायरवर्क्स डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री सतीश चंद प्रोप्राइटर अवध फायरवर्क्स ने बताया कि अब पटाखे मार्केट में इतना ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिलता। लोगों के लिए पटाखे फोड़ना अब एक औपचारिकता मात्र रह गई है, जिससे हम पटाखा व्यापारियों को काफ़ी निराशा है। हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि उन पटाखों को लाए जिससे पर्यावरण में कम नुकसान हो, लेकिन अभी भी युवाओं में पहले जैसा पटाखे जलाने का उत्साह नहीं दिखता। इसका दूसरा कारण महंगाई भी है। दिवाली की शुरुआत हो चुकी है और पटाखे मार्केट में भी रौनक आ चुकी है। अवध फायरवर्क्स फायर मार्केट में बहुत पुराना और जाना माना नाम है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ डिमांड है इस बार पटाखों की? नहीं दिखाई दिया, महंगाई इतनी है, कोरोना के बाद से आदमी हर आदमी पॉकेट नहीं करते, पहले अपना रोजमर्रा का त्यौहार मनाते हर व्यक्ति है। जी सर, क्या कुछ पटाखों में भी बदलाव आया है, जैसे कि साउंड प्रूफ या पोल्यूशन फ्री पटाखे, ग्रीन पटाखे? हमारे यहाँ जो भी हमारे लखनऊ आतिशबाजी थोक व्यापार टोटल ग्रीन पटाखे ही बिक रहे हैं और फैक्ट्री मेड पटाखे और वहाँ पर सरकार की तरफ से फायर वर्कर्स जो आपका एसोसिएशन उसको कोई मिल रहा है, कुछ अपनी तरीके से कुछ सहयोग मिल रहा है? हम लोगों की जो प्लेटफॉर्म जी, इतना बड़ा मार्केट है, अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम चल रहा है आपके? और सरकार की कम करता है सुरक्षा और अपने। तो इस दिवाली के मौके पर आप तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? चैनल देशबंधन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।